एवरीवन, वेलकम बैक टू पहाड़ी नरुणा चौहान यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मिल रही हूँ आपके साथ बहुत समय बाद, और क्यों मिल रही हूँ इतने दिनों बाद वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना है। और इस तरह का मौसम है गाइस, ये अर्ली मॉर्निंग, इसके बाद मैं चले जाऊंगी ड्यूटी और फिर मिलूंगी आपसे सीधा। और कुछ इस कदर का जो आज वेदर है, और इस तरह से देख लीजिए आप, थोड़े से बादलों से घिरा है और थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे रेनफॉल हो जाएगा। सो चलिए मिलते हूँ आपको सीधे शाम को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पहाड़न अरुणा चौहान यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं जस्ट अभी मास्क उतार ही रही हूँ अभी, क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ ड्यूटी से। 5 o'clock के टाइम हुआ है, और मुझे लगा बहुत टाइम हो गया आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ। सो व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। हाँ गाइज, फर्स्टली मास्क उतार देती हूँ, टूट ही गया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि कोविड के केसेस फिर से इंक्रीज हो गए। गाइज प्लीज, चाहे आपको वैक्सीन लग चुकी है या नहीं लगी है, प्लीज अपना केयर करना स्टार्ट कर लो, प्रिकॉशंस लेना जो है स्टार्ट कर लो। क्योंकि गाइज मैं जितना देख रही हूँ, लोगों ने कोविड को मजाक ही समझ लिया है, बट एटलीस्ट आप प्रिकॉशंस लीजिए। और जिसको होना है, मैं चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आफ्टर ड्यूटी। जब भी आती हूँ मैं बात करती हूँ गाइज, बिकॉज यहाँ गर्मी भी बहुत होगी, और अगर आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में, अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो आपको हमेशा बिफोर गोइंग और आफ्टर गोइंग बात जरूर करना चाहिए। सो चलिए, यहाँ तो गर्मी भी बहुत होगी गाइज, चलिए मैं तो आपको चेंज करके फिर शेयर करती हूँ आपके साथ। है गाइज, सो फाइनली मेरा जो है बात हो चुकी है, और बहुत अच्छा मौसम है, बिकॉज अभी चंडीगढ़ में काफ़ी गर्मी हो चुकी है, और शाम के टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है। मैं आई थिंक शाम को मार्केट भी जाऊँ और पार्क भी जाऊँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और गाइस कैसे हो आप सब, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। गाइस आपको बता दूँ, अभी कोविड के केस इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइएगा, प्रॉपर प्रिकॉशंस अपनाइए। और साथ ही गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। मैं सीरियसली गाइस आपको इतना बता दूँ कि अगर मुझे आप 50 या 100% भी देते ना, मतलब मुझे प्यार, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये छोटा सा जो मिनी गार्डन है यहाँ पे, मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मॉर्निंग में मैंने देख लिया था रेड रोजेस आ गया, और देख लीजिए कितना प्यारा सा है। इसका मैं आपके साथ अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। पहाड़ों से हूँ, तो मैं ग्रीनरी, ग्रीन ग्रीन चीजें बहुत ढूंढती रहती हूँ। सो आपको भी पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। सो चलिए गाइस, फटाक से खाना बना देती हूँ, उसके बाद मुझे शाम को जाना है, कुछ इतना बिजी होता है स्केड्यूल, सो टाइम नहीं लगता आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट होने का। सो चलिए पहले खाना बनाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। सो वेलकम टू माय किचन, मिनी किचन, छोटू सा किचन है हमारा, जैसे कि रेंटेड में होता है। और आज मैं बनाने वाला हूँ पत्ता गोभी। मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो मेरे को बोलती तू पत्ता गोभी की तरह है। मेरा वेट गेन हो जाता, तो मैं कुछ ऐसे गोली मोलू सी लेती, क्योंकि सो गाइस खाना बना के मैं चली गई थी कुछ खाने के लिए। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी जंक फूड की, और मुझे बहुत टाइम हो गया था। और एक सैटरडे होता है, वीकेंड होता है, जब मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग माइंड से चलती हूँ, बिकॉज संडे ऑफ होता है। और यहाँ देख लीजिए, मैं चिली पोटैटो पैक करने वाली थी, हालांकि आजकल नहीं खाना चाहिए, बट गाइस बहुत टाइम हो गया था, सो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और एटलीस्ट 1 month हो गया था। मैं आपको भी बोलूँगी अवॉइड ही कीजिए वैसे। सो उसके बाद शाम को बिजी हो गई थी, और ये अर्ली मॉर्निंग गाइज, मैं आपको बता दूँ मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, और वाटरमेलन मेरा फेवरेट है। और इसमें क्या है, अच्छे से क्वांटिटी में आपको क्या है, वाटर की क्वांटिटी भी होती है, और गर्मियों में आपको खाना चाहिए। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, और यहाँ मैंने चने, जो काबली चने हैं, वो डाल दिए थे पकने के लिए, क्योंकि मेरा लंच ये होने वाला था आज। और यहाँ देख लीजिए, मैं आपको एटलीस्ट ये अभी 10 बजे का टाइम है, कितनी ज़्यादा धूप है, और मुझे आज के आज ये जो व्लॉग है वो अपलोड करना है। सो मैं सोच रही थी कि जल्दी से मॉर्निंग का आपके साथ व्यू शेयर करूं। यहाँ देख लीजिए गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बाहर तो निकलना मुश्किल हो गया है। और मैंने शूट भी ये बाहर से किया है, छाया से। और यहाँ मैं जा रही थी रूम, और आपको बता दूं गाइस, यहाँ मैंने एक 1 month पहले मनी प्लांट जो है, जो गार्डन में है, वो इस पॉट में डाल दिया था, और ये इतना प्यारा
लग रहा है इसमें टू लीव्स आई और मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं इसको, मुझे लगा थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस हो जाए, मतलब थोड़ा सा इसको धूप में निकाल दूं, और ये इतना प्यारा लग रहा था। और मुझे बहुत प्यार है पेड़ पौधों से, और मैं सोचूंगी, मुझे लग रहा था कि ये पानी में नहीं लगेगा, बट ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। कैसी लगी आपको मेरा ये व्लॉग? और गाइज, इसी कारण मैं इतना बिजी स्केड्यूल होता है, बिजी रहती हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर।